बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे अपने अंदर है कि हम अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और वाक़यात से अपने अंदर मस्बत तब्दीली लाते हैं कि मनफी। ये कहानी दो भाइयों के बारे में है। दोनों भाइयों में से एक भाई मंशियात का नशा करता और अपने घर वालों के साथ बुरा सलूक करता था और बाज़ औक़ात उनको डराता, धमकाता और मारता था, जबकि दूसरा भाई एक कामयाब कारोबारी था और माशरे में इसकी बहुत इज़्ज़त थी। सब इसे बहुत पसंद करते थे और ये अपनी फैमिली के साथ खुशहाल और शानदार ज़िंदगी गुजार रहा था। कामयाब भाई ने अपने मंशियात का नशा करने वाले भाई से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम नशा क्यों करते हो और अपनी फैमिली को क्यों धमकाते और मारते हो, तुम्हारे ऐसा करने की सबसे अहम वजह क्या है, तुमने ये सब किस से सीखा। उसने जवाब दिया कि मेरी इस हालत के ज़िम्मेदार हमारे बाबा हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से ही नशा करते और हमें मारते हुए देखा है और आप मेरे से ये तवक्का कैसे कर सकते हैं कि मैं उन जैसा ना बनता और जैसा आज हूँ वैसा ना होता। फिर उसने अपने कामयाब भाई से पूछा कि आपकी कामयाबी की क्या वजह है और आप अपनी फैमिली के साथ कैसे खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी भी कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी की वजह हमारे बाबा ही हैं, क्योंकि मैंने भी उन्हें बचपन से ही नशा करते और हर बुरा काम करते देखा है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि मैंने उस वक्त ख़ुद को समझा लिया और जान लिया कि मैं जैसा बनना चाहता हूँ वो ये नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जैसे मेरे बाबा ने किया और हर तरह के बुरे कामों से ख़ुद को दूर रखूँगा। आप लोगों ने देखा कि दोनों भाइयों की कामयाबी और नाकामी की वजह एक ही है, बस फ़र्क सिर्फ सोच का है कि एक ने अपने बुरे हालात और तजर्बात से मस्बत पहलू को समझा और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया, जबकि दूसरे ने मनफी पहलू को समझा और उसी पे अमल किया और अपनी ज़िंदगी को नाकामी की तरफ धकेल दिया।